नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा है वीडियो नंबर 4। इससे पहले आप 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो था हमारा जिसमें आपने एमपी टेट में किस प्रकार से 120 से ऊपर नंबर लाए उसके लिए रणनीति पढ़ी। दूसरा वीडियो था हमारा जिसमें संख्या पद्धति में आपने किस प्रकार से हमारा जो जीरो चैप्टर था संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने तीसरा वीडियो बनाया और तीसरे वीडियो में हमने संख्या पद्धति का जो पहला चीज थी क्या थी, पहला आपका 9 टेबलेट्स, उन 9 टेबलेट्स के बारे में आपने सीखा कि पहले टेबलेट में क्या होता है, दूसरी टेबलेट में आपको रोजाना उसकी प्रैक्टिस करना है। उस वीडियो में हमने बताया कि बिना 9 टेबलेट्स के आप एमपी टेट में को क्वालिफाई अच्छे मार्क्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस। आज हम अपनी संख्या पद्धति जो जीरो है या जो अपना जीरो चैप्टर है उसमें आज पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना, यानी किस प्रकार से आप एक संख्या का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2 3 4 2 1 2 3 2। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी ये आपको केवल 10 सेकंड में जवाब देना है क्या होगा इसका इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हम यहां पे आज सीखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक और उसके ऊपर घात कितनी भी हो, यहां पे 2 लगा दो, 3 लगा दो, 2 1 4 किस प्रकार से, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। समझ में आया आपको? तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी संख्या के ऊपर कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू मिशन 120 में आज हमारा सफर शुरू होता है इकाई का अंक निकालना। चलिए, इकाई का अंक निकालने से पहले हम देखते हैं कि आपको पता होगा अच्छी तरह से यहां पे केवल 3 रूल है, बस उस 3 रूल के सहारे आपको ये इकाई के अंक निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो आपने देखा होगा अंक कितने होते हैं, हमारे 0 से लगाकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। उन 10 अंक जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हमारी पूरी थ्योरी वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले है अगर यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 1 5 व 6 हो। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0 1 5 6, तो कितनी भी घात हो क्या होगा, वही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कोई भी जैसे कि एक संख्या आ गई 2 3 1 उसकी घात 1 2 3 1, आपने देखा होगा इसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 1, क्योंकि आपने देखा होगा एक का अंक कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 की घात 2 कितना होता है, 1, 1 की घात 3 कितना होता है, 1, 1 की घात 4 कितना होता है, 1, यानी 1 की घात कितनी लगा दो कितना आता है, 1, यानी इसका मतलब होता है 1, यानी अगर इकाई का अंक 1 हो तो हमेशा कितना आएगा, वही रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका 0, अगर 0 किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसका हमेशा कितनी भी घात लगा दो कितना आएगा, 0। अब आते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट 5 और 6। आपने देखा होगा 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625, यानी आप देखेंगे कितनी भी घात कर दो, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसकी घात कितनी भी कर दी जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5। अब उसके बाद आता है 6, 6 की घात 1 कितना होता है, 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216, 6 की घात 4 1296, यानी इसका मतलब होता है 6 की घात 1 भी वही है, 2 भी वही है, 6 की घात 3 भी वही है, 6 की घात 6, यानी यदि अब यहां पे अपने हमारे को हमें कितना सीखना है, 0 1 5 0 से लगाकर 9 तक के अंक के बारे में सीखना है। तो हमने यहां पे 4 अंक के बारे में एक थ्योरी बना ली कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसकी घात कितनी भी कर दी जाए उसका इकाई का अंक वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली लाइन से तो हम 4 अंक के बारे में अच्छी तरह से सीख पाते हैं। अब आते हैं हमारे पास दूसरी चीज के बारे में, ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का
इकाई अंक क्या हो? चार या फिर नौ। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, चार या नौ हो, तब स्थिति क्या रहेगी? उसके पहले हम यहां पे एक भाई नाम के आदमी की कल्पना कर लेते हैं। क्या भाई? ध्यान रखिएगा, ये भाई क्या होता है, हम भाई को परिभाषित करेंगे। यहां से हमको भाई परिभाषित करना है। देखिए, आपके पास देखा होगा आपने यहां पे कि जब हम एक की घात एक करते हैं तो एक ही आता है। अब आपने देखा यहां पे दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, इसमें से छ पांच इनको भी काट लीजिए। अब देखिए दो की घात एक दो होता है, दो की घात दो चार होता है, दो की घात तीन आठ होता है, और दो की घात पांच, जैसे हम दो की घात पांच के दो की घात चार के पास जाते हैं तो कितना होता है दो की घात चार? दो की घात चार कितना होता है? सोलह। सोलह मतलब होता है छह आ गया, यानी एक ऐसी संख्या आ गई जिसकी घात कितनी भी करो वही आएगी। फिर यहां पर हम जाते हैं तीन की घात एक तीन, तीन की घात दो नौ, तीन की घात तीन सत्ताईस, तीन की घात चार इक्यासी। यानी इसका मतलब होता है फिर एक आ चुका है, चार घात के बाद एक आ चुका है। फिर यहां पर चार के बाद देखते हैं चार की घात एक चार, चार की घात दो सोलह, फिर चार की घात तीन, फिर आपके पास देखिए चार की घात एक चार, चार की घात दो सोलह, चार की घात तीन कितना होता है चौसठ, चार की घात पांच कितना होता है, कितना होता है दो सौ छप्पन। तो देखो यहां चार फिर छह, चार फिर छह, यानी दो के बाद कितना आ रहा है छह आ रहा है। उसी प्रकार से यहां पे सात में चौथी घात पे एक आएगा, आठ में चौथी घात पे कितना आएगा छह आएगा, है ना, कितना आएगा छह आएगा। और नौ में दूसरी घात पे देखो नौ की घात एक नौ, नौ की घात दो इक्यासी। इस प्रकार से यहां पे एक दूसरी बार में आ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सम संख्याएं, जो सम संख्याएं उनके इकाई का अंक एक निश्चित पुनरावृत्ति के बाद फिर कितना आना शुरू हो जाता है छह, कितना शुरू हो जाता है छह। तो इसका मतलब होता है कि यदि इकाई का अंक कितना हो, दो हो चार हो और आठ हो, तो उसका भाई कौन होगा, कौन होंगे उसके भाई, हमेशा होगा छह। याद रखिए भाई, केवल भाई, क्योंकि हमें जब इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो दिक्कत। अब यदि इकाई का अंक कितना हो, एक हो तीन हो, एक तीन हो सात हो और नौ हो, तो इनके भाई कौन आएंगे एक, ठीक, कौन आएंगे भाई एक। फिर से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, दो हो चार हो और आठ हो, तो उसके भाई का भाव कौन आएंगे छह। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, तीन हो सात हो और नौ हो, तो उसके भाई कौन आएंगे एक। क्या इस भाई को परिभाषित करना सीख गया? फिर से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, दो हो चार हो और आठ हो, तो इसका भाई कौन आएगा छह। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, तीन हो सात हो और नौ हो, तो उसका भाई कौन आएगा एक। बस इस भाई को परिभाषित कर लीजिए, लगभग आपका यहां पे 50% काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहां पे हमारे पास क्या समझा आपने, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, चार या नौ, क्या हो चार या नौ, तो क्या करना है आप लोगों को दूसरी स्टेप में, क्या करना है बताइए, घात को देखते हैं। क्या देखते हैं? घात को देखते हैं। एक एक चीज अपने ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, आपको आखिरी में जाके हर सवाल का उत्तर आप 10 सेकंड के अंदर देंगे। क्या कर देंगे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक चार या नौ हो तो क्या करते हैं, घात को देखते हैं। अब आप चलते हैं, अगर घात क्या हो सम, और यदि घात हो विषम, सम और विषम के बारे में अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यदि किसी संख्या में दो का भाग लग जाता है तो वो क्या होती है
सम संख्या, यदि उस संख्या में दो का भाग नहीं लगता है तो विषम संख्या। इस कॉन्सेप्ट से भी आगे लगाइए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, 2, 4, 6, 8 और 0 तो वह संख्या सम कहलाती है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक हो 1, 3, 5, 7, 9 तो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में हमें सीखेंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, 4 या 9, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो, 4 या 9 हो, तो घात को देखते हैं। अगर घात सम हो तो मेरा भाई आएगा, कौन आएगा, भाई, ध्यान से सुन लिए, कौन आएगा, भाई। और अगर घात विषम हो तो कौन प्रकट होगा, स्वयं, कौन प्रकट होगा, स्वयं। बस आपकी थ्योरी खत्म। फिर से देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 9 हो तो अपने को घात देखना है, क्या देखना है, घात देखना है, क्या देखना है, घात देखना है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो तो घात देखना है। जैसे घात देखी, दिखी परिस्थिति सम। अब सम का मतलब होता है सम परिस्थिति, सम परिस्थिति मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति मतलब होता है कठिन परिस्थिति नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपकी घात इकाई का अंक 4 या 9 हो तो परिस्थिति अगर सम हो, मतलब घात अगर सम हो, तो मेरा भाई काम कर लेगा। कौन काम कर लेगा, मेरा भाई काम कर लेगा। पर जैसे ही मैंने देखा कि घात विषम का मतलब होता है विषम परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, जब कठिन परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति और विषम परिस्थिति आती है तो कौन काम करता है, आदमी को अपनी ही मदद करना पड़ती है, यानी स्वयं प्रकट होता है। और स्वयं मतलब ईश्वर, ध्यान रखिएगा, स्वयं मतलब ईश्वर। तो याद रखिएगा, जब इकाई का अंक 4 या 9 हो तो विषम परिस्थिति में खुद प्रकट होगा और सम परिस्थिति में भाई प्रकट होगा। और भाई को हम ऑलरेडी परिभाषित कर चुके हैं कि यदि 4 के लिए भाई होगा 6 और 9 के लिए भाई होगा 1। बस काम खत्म। अगर आप इसके सवाल देखें तो देखिए, 2, 3, 2, 4, 4 की घात लिखो, 1, 2, 6, 7, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक कितना 4, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक 4, तो क्या करेंगे, घात को देखेंगे। घात देखी तो क्या हुई, इकाई का अंक कितना 7, 7 मतलब विषम, विषम तो है स्वयं प्रकट होगा, स्वयं मतलब 4, खत्म। उत्तर कौन प्रकट होगा, 4 प्रकट होगा। जैसे आपने देखा यहां पे 7 की जगह कितना होगा, 6, अच्छा घात को देखा सम, मेरा भाई प्रकट होगा, 4 का भाई कौन होता है, 6। लो साहब, ये उत्तर, समझ पा रहे हो ना। तो यदि आपको यहां पर, ये यहां पे लिख दिया 9, चलिए 9, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो 9, तो घात देखते हैं, घात को देखा, कौन देखा, परिस्थिति क्या है, सम, सम परिस्थिति होगा तो कौन प्रकट होगा, भाई। आपको पता है 3, 7 और 9 का भाई कौन होता है, 1, यानी 9 का भाई कौन होगा, 1। उत्तर समझ पा रहे हो, यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीखा आपने, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो या 9 हो तो क्या करते हैं, घात देखते हैं। और जैसे घात देखा तो परिस्थिति सम हुई, मेरा भाई काम कर लेगा, परिस्थिति विषम हुई, मैं खुद उससे निपटूंगा, बस बात खत्म। यहां पे आपका दूसरा रूल भी खत्म, यानी हमने 4 संख्याएं और 2 संख्याएं, 6 संख्याओं के बारे में तो कंक्लूजन निकाल लिया। अब बची 4 संख्याएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारी अगली परिस्थिति। अगली परिस्थिति के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 3 क्या होगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, क्या हो इकाई अंक, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1, घात में 4 का भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, घात में 4 का भाग लगाते हैं, घात में क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो इसका है, यहां से ये पूरी थ्योरी उसकी है। अब क्या करते हैं, घात में 4 का भाग लगाते हैं। देखिए, घात में 4 का भाग लगाना है, कुल मिला के
यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाते हैं और क्या करते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं, शेषफल को देखते हैं, शेषफल। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल की कितनी परिस्थितियां होगी, करो गैस करो, यदि किसी संख्या में 4 का भाग लगाते तो शेषफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार से हमने देखा किसी भी संख्या के घात में अगर 4 का भाग लगाते हैं तो शेषफल को देखते हैं। अब शेषफल को देखते हैं तो 2-4 परिस्थितियां पैदा होती है, पर उन चारों परिस्थितियों को हम केवल 2 भागों में बांटेंगे। अगर शेषफल कितना हो, 0, और अगर शेषफल हो आपका, अगर आपका शेषफल क्या होगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, ठीक। तो उन परिस्थितियों में क्या करते हैं, अब शेषफल किसी संख्या में देखिए, अगर एक सवाल हो गया 2, 3, 2 उसकी घात कितनी होगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें क्या करना है, आपने देखा सर ने क्या लिखवाया था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाते हैं, लगाओ भाई भाग, चलो 4 एकम 4 फिर कितना बचा, 3 बचा, 4 नम 36 फिर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 उसके बाद कितना बचा, 4 3 12 2 बचा, 4 5 20 फिर 4 8 32 भाग नहीं लगे उसके, 0 कितना बचा, 1। इतना सांस फूल गए, उसके बाद बोला सर शेषफल 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, गलत। आपको किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना है और शेषफल कितना बचेगा, तो द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर कैन डिसाइड, ध्यान रखिएगा उस संख्या के अंतिम 2 अंक डिसाइड कर लेंगे कि कितना शेषफल बचा है। कुछ नहीं करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड 21/4, 21 में 4 का भाग लगा दिया, 4 5 20 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और पूरा भाग लगाया था तो भी कितना बचा है, 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या में अंतिम अंक, ये हम संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या में भाग लगाने पर शेषफल की स्थितियां कैसी होती है। तो आपने देखा कि यदि किसी संख्या के संख्या में अगर 4 का भाग लगाना है तो अंतिम 2 अंक ये निर्णय ले लेंगे कि शेषफल क्या बचेगा। तो यहां पर हमने देखा कि यदि किसी की संख्या के घात में अगर 4 का भाग लगाना है तो शेषफल को देखते हैं, और शेषफल को देखने का मतलब होता है उसके अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाइए, और जैसे ही अंतिम 2 अंक में आपने 4 का भाग लगाया, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि आपका शेषफल 0 है या 1, 2, 3 है, बस बात खत्म हो गई आपकी। जैसे देखा, अब शेषफल अगर 0 आ जाए तो कौन प्रकट होगा, कौन प्रकट होगा, शेषफल अगर 0 आ जाए तो कौन प्रकट होगा, कौन प्रकट होगा बताइए भाई, कौन प्रकट होगा भाई, अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो इकाई का अंक कौन प्रकट होगा, भाई। और अगर शेषफल 1, 2, 3 हो तो क्या करते हैं, सिर पर रखते हैं, किस पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं, और ये सिर पे किसको रखते हैं, किसके सिर पर रखते हैं, इकाई के अंक के सिर पर रखते हैं, किसके सिर पर रखते हैं, इकाई के अंक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, अब प्रश्न देखते हैं हम, और प्रश्न के बाद आपको समझने हैं। जैसे एक सवाल आया 2, 3, 2 उसकी घात है 6, 7, 3, 2, 5 अब आया परीक्षा में और इसका इकाई का अंक निकालो। देखिए कुछ नहीं करना, आपका तीसरा रूढ़ कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो तो घात, डायरेक्ट क्वेश्चन, घात में 4 का भाग लगाना है, 4 6 24 कितना बचा, 1 बचा। अब वो एक शेषफल जो है वो इस 2 की घात पे टांग दीजिए, जैसे ही 2 की घात पे टांगा तो वो 2 की घात कितनी हो गई, 1, कितना हो गया, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 कितना होता है, 2, बस यही आपका उत्तर है, फाइनल, कहीं कुछ नहीं करना है 2 की घात। अब यहां पे आपको कितनी ज्यादा तकलीफ होगी, देखो अगर इकाई का अंक 2 है तो घात पे कितनी टांग सकती है, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, क्या इतने क्यूब तो आते हैं ना आपको, अरे हमने 30 तक क्यूब याद करवाने का वादा किया आपसे, तो आपको कम से कम यहां तो कुछ नहीं करना है, 2 की घात 3, उसके बाद अगर यहीं पे 3 हो जाए तो फिर कितना घात आ सकता है, 4 6 24 3 की घात 1 3, कुल मिला के ये
पर यहां पर अगर तीन की घात दो होगी तो कितना हो सकता है? नौ। तीन की घात तीन हो तो कितना हो सकता है? सत्ताईस। तो आपको तीन की घात एक तीन, तीन की घात दो नौ, तीन की घात तीन सत्ताईस, सत्ताईस मतलब इकाई का अंक सात। अब यहां पर क्या हो सकता है? तीन के बाद यहां पर सात भी हो सकता है। तो सात की घात एक हो सकती है, सात की घात दो हो सकती है, सात की घात तीन हो सकती है। तो सात की घात एक कितना होता है? सात की घात एक होता है सात, सात की घात दो उनपचास, सात की घात तीन तीन सौ तैतालीस, तो खत्म का। उसके बाद यहां पे कितना हो सकता है? आठ हो सकता है। तो आठ की घात कितनी हो सकती है? आठ की घात एक, आठ की घात दो और आठ की घात तीन। आठ की घात एक आठ, आठ की घात दो चौसठ, आठ की घात तीन पांच सौ बारह। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से हम उत्तर दे सकते हैं। अब आपके इसके एक दो सवाल करते हैं हम, क्योंकि आपका जो तीसरा रूल है यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो देखिए फिर से एक सवाल देखते हैं यहां पे। जैसा कि एक सवाल आया छह सात तीन दो चार, ठीक। अब इस छह सात तीन दो आठ आया और इसकी इकाई का घात है दो तीन छह सात तीन। आपको केवल और केवल दस सेकंड में करना है, ध्यान रखिएगा। बस आपको देखना है इकाई का अंक कितना, आठ, यानी रूल नंबर तीन। रूल नंबर तीन में आपको घात में चार का भाग लगाना है, पूरी घात में नहीं लगाना है, अंतिम दो अंकों में। जैसे अंतिम लोग है चार एकम चार, कितना बच रहा तीन, चार आठो बत्तीस, मतलब कितना बच रहा घात एक। अब जब एक बच रहा है तो आठ की घात एक कितना होता है? आठ। बस इसका उत्तर है, दैट्स योर आंसर। इससे सरल विधि आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि किस प्रकार से आप यहां पर इकाई के अंक निकाल, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज, एक एक चीज यहां पर हमारी बनाई हुई है, आप देखिएगा इसको, आराम से आपको चीजों बिल्कुल एकदम आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम यहां पर इसके ऊपर लगभग पांच क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, ठीक है, पांच क्वेश्चन हम करेंगे। तो मैं आपको यहां पे पांच क्वेश्चन दे रहा हूं, उन पांचों क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए तो आपके सामने आप यहां पे पूरा नियम आपने समझ लिया, इस नियम को एक बार और मेरी भाषा में आप इसको दोहरा लीजिए। यदि किसी, नियम नंबर वन, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जीरो हो, एक हो, पांच हो और छह हो, जीरो एक पांच और छह, तो उसकी घात कितनी भी लगा दो वही प्रकट होंगे। कौन प्रकट होगा? स्वयं प्रकट होंगे। कौन प्रकट होगा? जीरो की घात कितनी भी लगा दो वही आएगा। वही कौन मतलब? जीरो। एक मतलब उसकी घात कितनी भी लगा दो एक ही प्रकट होगा। पांच मतलब वही प्रकट होगा। छह मतलब वही प्रकट होगा। तो ये चार अंक के बारे में तो थ्योरी खत्म हो गई। उसके बाद हम आते हैं चार व नौ के बारे में। किसके बारे में? चार व नौ के बारे में। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? चार या नौ। भाई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? सम संख्या, सम भी मत करो। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो? दो हो, चार हो, ध्यान रखिए दो हो, चार हो और आठ हो, तो उसका भाई कौन आएगा? छह। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो? तीन हो, सात हो और नौ हो, तो उसका भाई कौन आएगा? एक। अब यहां पर कॉन्सेप्ट हो जाइए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? चार या नौ। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? चार या नौ। तो डायरेक्ट जाके घात को देखिए, घात में कुछ नहीं करना है, ना तो भाग लगाना है किसी संख्या को, घात को देख लेना है। देखो सब घात को, जैसे ही घात को देखेंगे तो घात अगर सम संख्या हो, सम संख्या मतलब उस संख्या का घात का इकाई का अंक दो चार छह आठ जीरो हो, तो उसका भाई प्रकट होगा। अगर विषम परिस्थिति हो, यानी विषम घात हो, तो कौन प्रकट होगा? स्वयं। तो बात खत्म। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक चार या नौ हो तो घात को देखते हैं, घात सम तो भाई, घात विषम तो स्वयं, बात खत्म। तीसरा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो? दो हो, तीन हो, सात हो और आठ हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दो तीन सात आठ हो, तो कुछ नहीं करना है, घात में चार का भाग लगाना है। अब घात में चार का भाग लगाने, घात इतनी बड़ी हो तो चार का भाग लगाए? नहीं, संख्या के अंतिम अंक, यानी उस घात के अंतिम दो अंकों में भाग लगाना है, वही आपके शेषफल को डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दो तीन सात आठ हो, तो घात के अंतिम दो अंकों में चार का भाग लगाते हैं और शेषफल देखते हैं। शेषफल कितना आएगा? चार का भाग लगा रहे हैं तो या तो जीरो आएगा या एक दो तीन आएगा। तो जीरो आएगा तो एक परिस्थिति, और जब एक दो तीन आएगा तो एक दूसरी परिस्थिति। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दो तीन सात आठ हो, तो घात में चार का भाग लगाते हैं, मतलब घात के अंतिम दो अंकों में चार का भाग लगाते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं? शेषफल को देखते हैं। अगर शेषफल जीरो हो,
तो ध्यान रखिएगा कौन प्रकट होगा, भाई। अगर इकाई का अंक दो हो तो कौन आएगा, छह। इकाई का अंक कितना हो, आठ हो तो कौन आएगा, ध्यान। इस प्रकार से, और जब शेषफल कितना हो, एक दो तीन, तो जो इकाई का अंक होता है उनकी घात पे उसको टांग देते हैं। ठीक है, क्या आपको थ्योरी समझ में आई? तो आपके सामने पांच सवाल है, इन पांचों सवाल को हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप टाइम लगाइए, 50 सेकंड से ज्यादा इन सवालों में नहीं। 50 सेकंड तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5-5 सेकंड में सवाल हो जाए। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है, चार, चार तो क्या करते हैं, घात देखते हैं। ध्यान रखिएगा, रूल नंबर टू, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक चार या नौ तो घात को देखते हैं। जैसे घात को देखा, इकाई क्या है, घात सम, सम है तो भाई आएगा, भाई मतलब चार का भाई छह, खत्म आपका उत्तर। उसके बाद यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है, नौ, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है, नौ, तो उसको घात को देखते हैं। घात कौन है, विषम, विषम मतलब स्वयं प्रकट होगा, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, नौ, नौ का स्वयं नौ, खत्म। दो सवाल हो गए। अब किसी संख्या का इकाई का अंक सात, सात मतलब कौन सा है, रूल नंबर तीसरा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सात हो तो घात में चार का भाग देते हैं, यानी घात में चार का भाग देने का मतलब होता है तिहत्तर में चार का भाग दिया, तो तिहत्तर में चार का भाग दिया तो चौबीस दिया बहत्तर, मतलब एक बच रहा है, चार एकम चार, चार आठ बत्तीस, एक बच रहा है, एक बच रहा है मतलब सात की घात एक, इस सात की घात एक पर टांग देते हैं, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, सात, खत्म। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, दो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक दो है तो घात को देखते हैं, घात को देखते नहीं, घात में चार का भाग लगाते हैं। जैसे 33 में चार का भाग लगाने गए, आप तिहत्तर में लगाया, यहाँ पे कितना लगा, 33 में, 33 में चार का भाग लगा, चार आठो 32, कितना बच रहा है, एक बच रहा है, एक बच रहा है मतलब दो की घात एक, दो की घात एक कितना होता है, दो, यहाँ पे उत्तर आ गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है, आठ, आठ मतलब रूल नंबर तीन, रूल नंबर तीन तो डायरेक्ट घात में भाग लगाते हैं, 24 में चार का भाग लगा दिया, चार संख 24 मतलब पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया मतलब आठ का भाई आएगा, आठ का भाई, भाई मतलब आठ का भाई होता है छह, और किसी संख्या का इकाई का अंक छह और तो वही आता है। आप देखिए, आप 50 सेकंड से भी कम सेकंड में हो गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा, किस प्रकार से हम इकाई के अंकों को निकालते हैं वो आपने सीखा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका हर एक चैप्टर का बिल्कुल विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, पर ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया है, थ्योरी को डेवलप किया है, ये आपकी पूरे पास थ्योरी है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी किए हैं। जब तक इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस, हमने आपको प्रोसेस दिए, ध्यान रखिएगा, और उस प्रोसेस में पूरी तरह से किस प्रकार से अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप इसको 10 सेकंड में क्या करें, 5 सेकंड में, या फिर खड़े खड़े आप उत्तर जवाब दे सकते हैं। इसका उत्तर 2 आएगा, इसका उत्तर 3 आएगा, इसका उत्तर 4 आएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस बहुत अच्छी है, पर ध्यान रखिएगा कोई भी प्रोसेस तब तक 100% परिपूर्ण नहीं होती है जब तक उसके ऊपर 99% प्रैक्टिस न की जाए। यह हमारा एमपीटेट की पात्रता परीक्षा को पूर्ण करने के लिए हमारा चौथा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बिल्कुल कमेंट करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक तो जितना फैला सकते हो उतना फैलाइए। हम एमपीटेट के गणित का कोर्स पूरी तरह से करवाएंगे आपका। एमपीटेट आपका जो गणित का कोर्स है वो 23 तो आपके चैप्टर है, और एक जो आपकी पेडागोजी के जो 6 चैप्टर है, इस प्रकार से 29 चैप्टर है हम यहीं पे पढ़ाएंगे। आने वाले समय में आपके बाल विकास की भी क्लासें आएगी, तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, ध्यान रखिए, और इसको पॉज करके देखिए, एक एक चीज बारीकी से समझाई गई है। ये लगभग हमारे 11 से 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।